नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब सड्डा में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। आज का यह वीडियो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पोर्टेंट डेट और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो यह टोटल 912 पोस्ट है, जिसमें वेटरिनरी ऑफिसर का 900 पोस्ट और लाइब्रेरियन का 12 पोस्ट है। अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल मैट्रिक्स देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वेटरिनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में और आपको हिंदी आती हो। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया हो और आपको हिंदी आती हो। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 1 जनवरी 2020 को काउंट होगी और आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो SC और ST कैंडिडेट के लिए यह 150 रूपए है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए यह 250 रूपए है और बाकी कैंडिडेट के लिए यह 350 रूपए है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आगे हम सैलरी की बात करें तो वेटरिनरी ऑफिसर का पे मैट्रिक्स लेवल L14 है और लाइब्रेरियन का पे मैट्रिक्स लेवल L11 है। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा आपका 25 अक्टूबर 2019 से 24 नवंबर 2019 के बीच। फीस पेमेंट होगा आपका 25 अक्टूबर 2019 से 24 नवंबर 2019 के बीच। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है और एग्जाम का भी डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आगे हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट का 40% मार्क्स कैलकुलेट होगा, जो कि 40 मार्क्स है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का 20 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए 40 मार्क्स होगा। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल जॉब सड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।